हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। अभी हम थे गोनेर मोड़ साइड, हम ऐसे ही रैंडम घूम रहे थे तो हमें एक नॉनवेज ढाबा दिखा। तो हमने अंकल से पूछा कि इनकी क्या चीज़ फेमस है, तो अंकल ने हमें बताया इनका कुकर वाला मीट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज हम आपको इनके कुकर वाले मटन की फुल मेकिंग दिखाते हैं। आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर हम चलते हैं, आपको मेकिंग दिखाते हैं। सर अभी हमारी एक अंडा करी बनी हुई है और ये चिकन बना हुआ है, मतलब चिकन बना हुआ है। हाँ, चिकन बना हुआ है, ये बनाई है, ये अंडा करी बनी है, बहुत बढ़िया। आराम से बैठे हैं, आराम से ले लें। भाई साहब कैसे हो? बस भाई यार, फौजी आप ही हैं जी? मेरा नाम है फौजी, सेवादारी बोलते हैं वो, फौजी मीट वाले के नाम से। हाँ जी, आपका ये क्या? तो आप क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम वैसे इमराज है, वैसे हवलदार जी के नाम से जानते हैं, हवलदार जी नॉन वेज होटल के नाम से। और वैसे कोई फौजी बोल देते हैं, कोई पहलवान भी बोल देते हैं, कोई हवलदार जी बोल देते हैं, जैसे मनवार जी ऐसे बोल देते हैं। तो फौजी साहब ये बताओ, आप कितने टाइम से है ये, मतलब कितने टाइम से काम कर रहे हो आप? ये हमको हो गए करीब सर 15-18 साल हो गए। 15-18 साल? 2004-05 से अपनी दुकान। अच्छा, ये बस स्टैंड की दुकान है हमारी गोनेर में। ये पहले शुरुआत बस स्टैंड में हमारी, ये मतलब सबसे पहले गोनेर में स्टार्टिंग अपनी दुकान से। ओके, अब तो यार 5-7 डाबे हो गए गोनेर में यहाँ पे, लेकिन बस स्टैंड अपनी दुकान से। एक यहाँ पे है दुकान अपनी, दुकान ये है, सेकंड दुकान एक पीछे भी और है, ये राज होटल के नाम से है, वहाँ हवलदार जी नॉन वेज होटल के नाम से है, वैसे न्यू राज होटल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके फादर साहब संभालते हैं? हाँ, यहाँ पे पापा जी बैठते हैं, वहाँ पे मैं बैठता हूँ। क्या क्या चीजें बनाते हो अभी? मैं देख रहा हूँ प्याज वगैरह काटो, क्या बना रहे हो आज? ये अभी सर हम मटन बना रहे हैं। अच्छा, मीट जो अपने मारवाड़ी स्टाइल जो बनता है ना, जैसे देसी, अपना कोई ग्रेवी व्रेवी बनाने का कोई तरीका नहीं है। हम तो जैसे जो मीट लाते हैं कस्टमर, जैसे लेके आते हैं कस्टमर, जैसे अपनी क्वांटिटी कितना खाना चाहोगे उतना ले आते हैं, उसको लाके बनाते हैं। जो जैसे हम घर जैसे बनाते हैं, घर में जो बनता है, जो नॉर्मल बनाते हैं घर में, वैसे ही बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ग्रेवी बना के पहले रखते हो और फिर बनाते हो और फिर डालते हो, पूरा देसी हिसाब है, पूरा बिल्कुल मारवाड़ी तरीके। चलिए अब शुरू करते हैं मटन बनाना अपन। इसमें तेल कस्टमर के हिसाब से, चिकनाई जाए चाहिए कम चाहिए उस हिसाब से कर देते हैं। चिकनाई बढ़िया रखो आप, चिकनाई बढ़िया। 500 ग्राम मटन बना रहे हैं अपन जी, उस हिसाब से कुछ बोल रहा। तेल आ चुका है, तेल गर्म हो गया। चलो इसमें तेज पत्ता डाल दिया हमने, साबुन डोडा साबुन का, अब इसमें डालेंगे पर ये प्याज और मिर्ची थोड़ा ऊपर से डालो, जैसे भी डालो सर वैसे डालना, इसको तो लिया पास। तो प्याज ऐसे खड़े रखते हो आप? हाँ, प्याज खड़े, साबुन, लहसुन अदरक पेस्ट करके, लहसुन अदरक पेस्ट करके। कितना प्याज? बहुत है, बहुत है, ज़्यादा फिर ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी तो प्याज प्याज का टेस्ट आएगा। सही बात है। हाँ, ये भी अपने प्याज भून रहे हैं, थोड़े ब्राउन हो जाए प्याज। वैसे कुकर में मटन बढ़िया बन जाता है? हाँ, कुकर में, कुकर का ही काम है, कुकर में बना के जल्दी बनता है। हाँ, जैसे कस्टमर कहीं आते हैं मटन लेके आते हैं, पैकिंग कोई थैलियों में व्यवस्था दे रहे, सही नहीं लगता थैली में, तो कुकर खुद का ही लेके आते हैं, उसी कुकर में, उनकी कुकर में बना के, उसी कुकर में बना के पैक करके उन्हीं को दे देते हैं, उनका कुकर पकड़ा होगा उन्हीं को दे। बहुत बढ़िया, ये भी सही है, अपनी गाड़ी में आराम से रखो, घर पे ले जाओ, फैमिली के साथ बैठो खाओ, ये सिस्टम सही है। बाटी के बाटी पे खुद का कुकर लिया, खुद का ही मटन लिया। हाँ, बढ़िया। अच्छा, बनाई का क्या चार्जेस वगैरह लेते हो आप?
बनाई का चार्जेज है सर हमारा, मटन का अलग है, चिकन का अलग है, फिश का अलग है। मटन के हम 300 रुपये पर के जी लेते हैं, मटन का 300 रुपये पर के जी चार्ज करते हैं, और चिकन का 240 रुपये पर के जी। मटन का 300 है और चिकन का 240 मतलब सारी चीजें आपकी रहती है उसमें? सब कुछ हमारा रहता है उसमें। ठीक है, मटन लेके आना। मटन ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया है और इसमें सीधा मटन डाल दिया मैंने, बहुत बढ़िया है। अंदर एक बार, हाँ बोलो। एक बार ये बॉयल हो, मटन बॉयल हो गया, ये नमक डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार। दोस्तों मटन की हल्की बिल्कुल से इन्होंने भुनाई करी, उसके बाद सीधे मसाले डाल रहे हैं, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी। इसको पकाएंगे अभी थोड़ा। अच्छा, हल्दी के साथ पकाएंगे, हल्दी और नमक भी पकाएंगे। तो मेघराज जी एकदम मटन ऐसा खिलाना है, शानदार मजा आएगा। बिल्कुल सर, आपको मजा आएगा। अच्छा, आप और क्या क्या चीजें रखते हो, किसके साथ खाते हैं मोस्टली लोग? हमारे इसके साथ बेस्ट तो बाटी रहती चलती है हमारे। अच्छा, बाटी और जैसे कस्टमर को पसंद है चपाती खाना करेंगे तो चपाती मिल जाती है, वैसे ज्यादातर बाटी लेता है कस्टमर हमारे, बाटी की डिमांड ज्यादा है। अच्छा, ये हमारे खुद के पिसाए हुए मसाले हैं सर। खुद के पिसाए हुए मसाले हैं, हम खुद ही साबुत मसाले लेके आते हैं, फिर खुद ही तैयार करते हैं। चलो एक सेकंड। अच्छा, भिगो के डालते हो? भिगो के। पहले मैंने नमक कर ली, मैं सब्जी फ्राई कर ली, अब ये इसमें धनिया और मिर्ची। अच्छा, पानी भिगो के डालते हो जो मसाले, उससे बढ़िया रहते हैं क्या? खड़ा नहीं होता है, मिर्ची जलती नहीं उससे। अच्छा, नमे से डायरेक्ट तेल में डालते हैं ना मिर्ची को, तो वो दांत देने लग जाती है, कड़वा पड़ने लग जाती है। ये देखो भाई, क्या शानदार बनाई चल रही है, और नली वली सब देख सकते हैं कि आप, बेहतरीन लग रही है भाई। अब बोलो, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे बस। क्या बात है यार, मीट की जान ही है ये लहसुन अदरक की, बहुत शानदार खुशबू आ रही है साहब। अब इसको थोड़ी देर भूनते हो क्या? हाँ, भुनाई करके लहसुन अदरक डाल दीजिए, और ये थोड़ा रोगन छोड़ेगा ना, रोगन छोड़ दे, उसके बाद में इसमें टमाटर डाल के, ये देखो रोगन आने लग गया ना। सही बात है, जैसे कई कस्टमर है साहब जो खुद बना के खाने का इच्छुक रहते हैं तो खुद भी बना लेते हैं। अच्छा, अब देखो कस्टमर है जो खुद बना रहा है। अच्छा, उसकी अलग से व्यवस्था है। सही, ये बात भी बढ़िया है। हाँ, ये टमाटर डाल दिया इसमें, ये दोस्तों टमाटर डल गया। हाँ, मसाला अच्छे से पक चुका है ना। हाँ जी, बढ़िया। अरे टमाटर से जल जाए थोड़ा, मतलब इसमें अपन कस्टमर जैसा खाना चाहेगा, ग्रेवी वाला खाना चाहेगा या तरी वाला खाना चाहेगा, उस हिसाब से फिर पानी एडजस्ट करते हैं, मतलब पतली या फिर गाढ़ी रखनी है ग्रेवी। जैसे कस्टमर बाटी के साथ ज़्यादा पतली पसंद करता है तो पतली बनाते हैं, और जैसे गाढ़ी खाना चाहे तो गाढ़ी। हल्का सा इसमें ये दोस्तों, हल्का सा इसके अंदर पानी डाला है, जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से ना, जैसे कस्टमर डिमांड करता है उस हिसाब से पानी डाल देना। पानी पक गया, इसमें अपन ढक्कन लगाएंगे इसे कुकर के। चलो, ये कुकर में तो ढक्कन सेट कर दिया हमने। हिमला, चलो ठीक है। तो अब कितनी देर? ये 15 से 20 मिनट में हो जाएगा सर। ठीक है, होने देते दोस्तों, फिर दिखाते हैं आपको। या तो मैं खुद चलूँ आपके साथ, खुद खिंचवाओ, या फिर आप एड्रेस वहाँ का देना, या तो वैसे खूब बहुत कस्टमर। अभी तो बन रहा है, बनने तो समझा दो, एक बार बाहर आ जाओ आप। ये सर, ये हमारा है मेन गोनेर है ये। अच्छा, मेन गोनेर में अपन है नियर पुलिस चौकी के पास में। अच्छा, और इधर जो अपन राइट हैंड करेंगे तो इधर सांगानेर रोड, सांगानेर निकलेगा सीतापुरा, मतलब वो सीतापुरा में जो कॉलेज वगैरह है। हाँ, पूर्णिमा वगैरह जैसी आदि वगैरह है वो उधर जाए, इधर जाता है। अगर कोई बंदा वहाँ से आना चाहे कॉलेज वगैरह से, हाँ, तो वो वहाँ से यहाँ से आ सकता है। अदरवाइज जगतपुरा का इलाका यहाँ है ये, जगतपुरा इधर, जगतपुरा से अगर कोई आना चाहता है तो वहाँ से आए। बिल्कुल, इधर ठीक है।
सीतापुर में जितने भी इंस्टीट्यूट है, जैसे आज की पूर्णिमा हुई, जो भी स्टूडेंट है सब खाने खाने के लिए सब यहीं पे आते हैं। खाना अपना तैयार हो गया है, रेडी है। आई तो ये देखो सब लोग, मतलब आपने हल्का सा हल्का सूखा लगाया है ना। हाँ, क्या शानदार, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम अपन थोड़ा हरा धनिया का जो वो ग्राइंड करेंगे, अच्छा हरा धनिया की पत्ती डाल दो, साबुत गरम मसाला पिसे हुए गरम मसाले सब ये डाल चुके हैं पहले। ये अपना कप रेडी है, मटर डालिए, बिल्कुल अब सर्व करना है अपन को। ठीक है सर।